आज के इस वीडियो में देखिए कैसे बनती है डेरी मिल्क चॉकलेट। रोटी हुई गर्लफ्रेंड को मनाना हो या फिर नई गर्लफ्रेंड को पटाना, मूड खराब हो मूड अच्छा हो, हर एक सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है हम सबकी फेवरेट डेरी मिल्क चॉकलेट। स्कूल के दिनों में तो न जाने इस डेरी मिल्क ने कितनी सारी लव स्टोरीज बनाई होंगी। वैसे तो आपको मार्केट में कई सारी अलग अलग तरह की चॉकलेट्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जितना क्रेज डेरी मिल्क का है उतना शायद ही किसी और चॉकलेट का हो। लेकिन कैडबरी डेरी मिल्क के दीवानों को क्या मालूम कि आपकी मनपसंद चॉकलेट आखिर बनती कैसे है, क्योंकि आज के समय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस चॉकलेट में गाय का मांस डाला जाता है और क्या ये चॉकलेट वाकई में वेजिटेरियन है या फिर हमें उल्लू बनाकर खाली फोकट में हमें नॉन वेजिटेरियन बनाया जा रहा है। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानते तो आप अपनी आंख नाक कान सब कुछ अच्छे से खोल लीजिए। आज के हैरान करने वाली वीडियो में हम आपको डेरी मिल्क चॉकलेट के बनने का ऐसा प्रोसेस बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप में से कईयों के दिल टूट जाएंगे। पर हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लगातार देखते रहें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में मिलने वाली कैडबरी डेरी मिल्क जो काफी लंबे समय से यहाँ बेची और खरीदी जा रही है, इसे ब्रिटिश कंपनी द्वारा बनाया जाता था जिसे साल 1824 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू किया गया था। आपको शायद ये बात पता ना हो लेकिन हर देश में मिलने वाली कैडबरी डेरी मिल्क का स्वाद एक दूसरे से बहुत ही अलग होता है। यानी कि जिस तरह की डेरी मिल्क चॉकलेट आप इंडिया में खाते हैं वो आपको अमेरिका में खाने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, हर देश में बनाया जाने वाला प्रोडक्ट वहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जहाँ आप अगर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस चॉकलेट को खाने जाएंगे तो ना सिर्फ इसका स्वाद भारत में मिलने वाली चॉकलेट से काफी अलग होगा बल्कि उन्हें बनाने का प्रोसेस भी बहुत अलग होगा जिसमें मीट इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जिसमें डेरी मिल्क में गाय के मांस के इस्तेमाल की बात कही गई थी। असल में दोस्तों, चॉकलेट चाहे किसी भी तरह की क्यों ना हो उसे कोको बीन्स से ही तैयार किया जाता है और फिर इन्हीं को अच्छी तरह से प्रोसेस करके चॉकलेट पाउडर बनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग तरह की कोको बीन्स मौजूद हैं, लेकिन जो डेरी मिल्क चॉकलेट को बनाने में इस्तेमाल होती है उन्हें आयरलैंड से मंगवाया जाता है। खेतों से कोको बीन्स को लाने के बाद पहले वर्कर्स इनको अच्छी तरह से धूल साफ करते हैं और फिर इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद इन कोको बीन्स को फैक्ट्री में लगाया जाता है जहां इनकी 2 से 3 बार अलग अलग तरह की मशीन्स में सफाई की जाती है। पर दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी अधिक सफाई करने के बावजूद मशीन में कोको बीन्स के साथ कई सारे कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। और ये बात हवा में तीर मारते हुए हम नहीं कह रहे हैं बल्कि FDA के मुताबिक 125 ग्राम चॉकलेट में कम से कम 7 अलग अलग कीड़े मकोड़े के फ्रेगमेंट्स और बॉडी पार्ट्स मिक्स हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, कई कंपनीज तो चॉकलेट में अमीनो एसिड को पूरा करने के लिए चूहों के बालों तक का इस्तेमाल करती हैं। और ये चूहे के बाल केवल चॉकलेट में ही नहीं पाए जाते बल्कि मार्केट में मिलने वाली जेली वाली टॉफी भी इनमें डाल दी जाती है। इसके अलावा कई और रेडीमेड फूड आइटम्स में इन चूहों के बालों का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों, कोको बीन्स में कीड़े मकोड़े और चूहे के बालों को साथ मिक्स करके आपका चॉकलेट पाउडर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसके बाद बारी आती है बटर यानी कि मक्खन की। अब डेयरी फार्म से लाया गया बटर मशीन में चॉकलेट पाउडर के साथ मिलाया जाता है और फिर काफी देर तक अच्छी तरीके से इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, मक्खन और चॉकलेट पाउडर के मिक्स होने के बाद इसमें शुगर यानी कि चीनी मिलाई जाती है जो इसमें मिठास भरती है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोको पाउडर मीठा होता है तो हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोको पाउडर का स्वाद ठीक कॉफी की तरह कड़वा होता है, लेकिन जब इसमें चीनी मिक्स की जाती है तो इसके स्वाद में एक अलग ही तरह की मिठास भर जाती है। और फिर अगर चॉकलेट फ्लेवर वाली है जैसे कि फ्रूट्स एंड नट्स या फिर ओरियो बिस्किट वगैरह, तो वो सारी चीजें छोटे छोटे पीसेस में करके अभी मशीन में डाल दी जाती हैं ताकि जो चॉकलेट का मिक्सचर तैयार हो रहा है वो उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद चॉकलेट को अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए मशीन में डाल दिया जाता है और जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो ये चॉकलेट सिरप का रूप ले लेती है। इसके बाद दोस्तों, इस चॉकलेट सिरप को रोलर मशीन पर 1 से 2 घंटे के लिए घुमाया जाता है ताकि चॉकलेट सिरप और भी ज्यादा गाढ़ा और स्मूथ हो सके। चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां
चॉकलेट को गाढ़ा और जाली जैसा बनाने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल करती हैं, जिसके बारे में सुनकर तो आपको और ज्यादा चक्कर आने लगेंगे। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो किसी और चीज से नहीं बल्कि जानवरों की स्किन और हड्डियों से बना जाता है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों में बनने वाली डेयरी मिल्क के अंदर गायों की हड्डियां और स्किन से बने जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कई देशों में तो गाय की जगह सुअर की हड्डी और मांस से बने जिलेटिन का इस्तेमाल भी चॉकलेट बनाने में किया जाता है। और जो हम आपको स्क्रीनशॉट के वायरल होने के बारे में बता रहे थे ना, वो कहीं और का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में डेयरी मिल्क बनाने वाली कंपनी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो चॉकलेट के अंदर गाय से बनी जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस पोस्ट को जब हमारे देश के लाखों लोगों ने देखा तो वो डेयरी मिल्क चॉकलेट को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की मुहिम में लग गए, क्योंकि हर किसी का यही मानना था जब ऑस्ट्रेलिया में चॉकलेट बनाने के लिए गाय का मांस और हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। और जब ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी तो कंपनी ने ये बात साफ कर दी कि भारत में बनने वाली डेयरी मिल्क पूरी तरह से वेजिटेरियन होती है, यानी कि इसके अंदर गाय और सुअर के मांस से बनने वाले जेलेटिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसका सबसे बड़ा सबूत है डेयरी मिल्क चॉकलेट के रैपर पर बनी ये ग्रीन डॉट, जो इस बात को साबित करती है कि इसमें किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन पदार्थ नहीं डाला गया। भारत में बनने वाली चॉकलेट में गाय या फिर सुअर से बने जिलेटिन की जगह वेजिटेरियन जिलेटिन का इस्तेमाल होता है, जिसे हम लोग अगर अगर पाउडर भी कहते हैं। इस जिलेटिन को मिलाने के बाद चॉकलेट सिरप को कंटेनर में भर दिया जाता है, जहां इन्हें और भी ज्यादा रिफाइंड किया जाता है और फिर रिफाइनरी मशीन से होते हुए इस लिक्विड को सांचे में डाल दिया जाता है, और उन्हीं सांचों में जाने के बाद डेयरी मिल्क को इनका बार वाला शेप मिलता है। दोस्तों, इन चॉकलेट बार्स के बनने के बाद इन्हें फ्रीजर में एक दिन तक रखते हैं ताकि ये पूरी तरह से सॉलिड हो जाए। जब ये चॉकलेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो इन्हीं मशीनों के जरिए पहले सिल्वर या फिर गोल्ड कवर से रैप किया जाता है और फिर कंपनी इन्हें अपने रैपर से पैक करके देश के अलग अलग इलाकों में भेज देती है। इस तरह फैक्ट्री से बनकर ये डेयरी मिल्क पूरी तरह से तैयार हो जाती है और आपके आसपास की दुकानों में पहुंच जाती है, जहां से आप इनको आसानी से खरीद सकते हैं। अब सारी बातें तो आप जान गए, लेकिन आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि जब हमने कोको बीन से कोको पाउडर बनाने की बात कही थी तो हमने उसमें बताया था कि उसमें कई तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। अब भले ही भारत में बनने वाली चॉकलेट में गाय और सुअर के मांस से बने जिलेटिन का इस्तेमाल ना हो, लेकिन कोको पाउडर को तो उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह इसे दुनिया भर में बनाया जाता है। ऐसे में इनमें कीड़े मकोड़े का होना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कोको पाउडर में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और जब चॉकलेट हम खाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। अब अगर आप चाहें तो इस वजह से चॉकलेट खाना बंद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया जाता, ये सब कुछ ना चाहते हुए अनजाने में हो जाता है। जिस तरह हम गेहूं का आटा पीसते हैं तो गेहूं में मौजूद छोटे छोटे कीड़े या फिर चींटियां वगैरह मिल जाती हैं। अब चाहे उन्हें जितना मर्जी साफ क्यों ना कर लिया जाए, एक न एक चींटी या कीड़ा वगैरह उसमें होता ही होता है, जो गेहूं के साथ पिसकर आटा बन जाता है और उसी की हम रोटियां खाते हैं। घर पर तो आप इसे 100 बार धो लेंगे तब जाकर इसमें से चींटियां वगैरह हटेंगे, लेकिन बाहर से खरीदे गए आटे को मुश्किल से 1 या 2 बार भी धोया जाए तो बहुत है। ऐसे में आप समझिए कि जिन चीजों को आप वेजिटेरियन कहकर खाते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन मौजूद होता ही होता है, जिसे आप ना चाहते हुए खा लेते हैं। ठीक ऐसा ही है चॉकलेट के साथ भी। कोको बीन्स को अच्छी तरह से धोया जाता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें रह जाता है। अब उसके चक्कर में आप अगर चॉकलेट छोड़ना चाहें तो यह आपकी मर्जी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।